जय माता जी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म भक्ति चैनल। दोस्तों आज के इस विशेषांक में हम जानेंगे पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध में किन चीजों का दान करने से हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए तर्पण और दान का विशेष महत्व बताया जाता है। पितृपक्ष में हमारे पितर जो है यमलोक से धरती पर आते हैं तथा तर्पण ग्रहण करने के पश्चात अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों पूर्णिमा से ही 20 सितंबर 2021 से पितृपक्ष आरंभ हो गया है, किंतु जो पूर्णिमा का दिन रहता है वह ऋषियों के लिए समर्पित होता है। उसके अगले दिन यानी 21 सितंबर से इंसान अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के मुताबिक तर्पण तथा पिंड दान करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मित्रों वस्त्र का दान। जी हाँ, पितृपक्ष में पितरों के निर्मित उनके पहनने योग्य वस्त्रों का दान करना अति उत्तम माना गया है। इसमें जूते चप्पल छाते का दान करना राहु केतु दोष का निवारक कहा जाता है। पितरों को खुश करने के लिए काली छाते का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। चांदी। शास्त्रों में पितरों का निवास स्थान चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में होता है, इसलिए चांदी से बने चीजों का दान करना दोस्तों उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि चांदी चावल और दूध का दान करने से पितर खुश होते हैं और हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की उपासना के लिए अगली चीज काला तिल का दान करें। काला तिल प्रभु श्री विष्णु को बेहद प्रिय होता है। श्राद्ध पक्ष में किसी भी दान को देते वक्त हाथ में काला तिल अवश्य होना चाहिए। प्रथा है दोस्तों कि इस दान का फल पितरों को अवश्य मिलता है। अंतिम चीज की बात करें दोस्तों तो गुड़ एवं नमक का। जी हाँ, पितृपक्ष में गुड़ और नमक का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा होता है, पितरों से निर्मित गुड़ और नमक का दान करें। इसका जिक्र दोस्तों रामायण महाभारत और यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में भी किया गया है। तो दोस्तों आपने आज के इस वीडियो में जाना पितृपक्ष में किस चीजों का दान करना चाहिए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।